जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 जनवरी से 3 दिन के लिए जो ये पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि होने जा रहा है, बांडीपुरा में भी होने जा रहा है, जिसमें हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो लगभग 62,000 की है, और हमारे 340 सेंटर हैं जहाँ पे ये ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप्स, जिनको दो बूंद जिंदगी की भी कहा जाता है, वो डाली जाएंगी 0 to 5 ईयर्स, 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाता है। तो ये हमारे इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और मेरी ये अपील रहेगी जो हमारे अवाम है बांडीपुरा की, कि जो भी यहाँ पे बच्चे 0 से 5 साल के बीच में हैं उनको ये पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप ज़रूर दिलाएं, क्योंकि ये जो पोलियो है, अगर ये जो बीमारी है ये अगर एक बार हो जाती है तो ये बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है, और इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल है, और इसका प्रिवेंशन एक ही है और वो ये वैक्सीनेशन है। तो 0 से 5 साल के बच्चे जिनको जो भी उनके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके इनको वो ये वैक्सीन दस्तियाब है, वहाँ पर जाके ये वैक्सीन ज़रूर लें। मेरी ज़िला बांडीपोरा की आवाम से गुजारिश है कि वो 31 जनवरी को अपने 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो बूथ पे लाकर पल्स पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 340 जगहों पे ये पल्स पोलियो बूथ कायम किए हुए हैं, तो वहाँ ये ड्रॉप्स बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। इसमें हमारा ब्लॉक बांडीपोरा, हाजनूर, गुरेज आता है, तो टोटल जो हमारे हैं 62,055 जो हमारा टारगेट है बच्चे, उन सबों को ये पिलाना ज़रूरी है। मेरी यही गुजारिश है कि हर सेंटर पे वैक्सीन पहुंचा है, जो लॉजिस्ट से वो पहुंचे हैं, अलल सुबू वो अपने बच्चों को लेकर ये वैक्सीन कराए और अपने बच्चों को बीमारी से महफूज कराए। इतवार के दिन तो ये सेंटर पर होगी, और अगर कोई बच्चा छूटता है तो उसको मंडे और ट्यूसडे यानी 1 और 2 फेब को हमारे वर्कर घर घर जाके वो देख लेंगे, अगर कोई बच्चा छूटा है तो उसको भी ये वैक्सीन मिलेगा।